बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम चलते हैं संसद के बाद, हम बात करते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पे हमला बोला, कहा दोनों पार्टियां ने अंबानी से मिलकर और अंबानी के इशारे पर उनकी सरकार को गिराया है। बहुत सारे सवाल हैं और सारे अहम सवाल हैं, लेकिन इससे पहले हमारे जो मेहमान है स्टूडियो में, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरे अरविंद केजरीवाल का जो ये पूरे दिन नौटंकी है, इस राजनीतिक सियासी नौटंकी का क्या मायने हैं। अदीब साहब, ये क्या है पूरा, कैसे देखिए, देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप जो मुझे कुछ तो ये हुआ? लगता है कि अब सियासत में जितने भी लोग हैं ये बहुत अच्छे किस्म के एक्टर हैं। ये सब जो नौटंकी लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये इनके पास कुछ रह नहीं गया है और ये बहुत बेहतरीन किस्म के एक्टर हैं। कोई चाय की दुकान लगा के दुकान लगा रहा है, कोई गरीबों की घर में जाके दुकान लगा रहा है। इन्होंने एक काम ये किया है कि लोगों को गाली दे के एक्टिंग करते हैं। मुद्दे की बात कहीं नहीं जा रही है। और ये इस आदमी का तो कमाल ये है केजरीवाल का कि पूरी अंपायर झूठ बोल बोल के दूसरों पे इल्ज़ाम लगा लगा के उसको एक पावर मिली। अब वो पावर वो ले चला नहीं सकता था, अब उसने ये एक और खेल शुरू कर दिया। अब ये जो आज सुबह जो असेंबली में बिल पेश हुआ, ये इसको भी पता था, दुनिया को मालूम था, इनके लीगल एडवाइज़र प्रशांत भूषण को मालूम था जी कि बिल हाउस में नहीं आ सकता जब तक कि इसकी अप्रूवल ना हो। जी लेकिन उसे बिल लाना था, इसलिए कि बिल ला के उसे कहना था जो कह रहे हैं। लेकिन अब किया क्या जाए, मेरी समझ में आता नहीं है कि आदमियों को तो इस बात से बड़ी खुशी होती है कि कह दीजिए फला चोर है, बहुत खुशी हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। ये देश कहीं बहुत खतरे की तरफ जा रहा है, मुझे इस बात की बहुत घबराहट हो रही है। बहुत सही, कोई लीडरशिप किसी पार्टी में दिख नहीं रही है। हर तरफ धोखा, फरेब, झूठ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी की भी आप बातें सुन लीजिए। वो एक साहब ने कहा कि चाय की दुकान यहाँ खोल लें, उन्होंने चाय बेचना शुरू कर दी, उनका ये मार्केटिंग हो रही। अब तो मार्केटिंग का कुछ किस्सा कहानी चालू हो गया, जनता की सेवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। मार्केटिंग आप कैसी करते हैं दादा, प्रोडक्ट है ये तो प्रोडक्ट। ये केजरीवाल साहब आए और केजरीवाल साहब इस्तीफा दिए, और केजरीवाल साहब इस्तीफा दे के अब अगली लड़ाई का ऐलान भी आपने सुना, क्या है ये पूरा केजरीवाल ड्रामा? देखिए, केजरीवाल की ड्रामा जो है, पहली बात है इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जिस आंदोलन में बहुत सारे युवाओं इनके साथ जुड़े हुए थे, कि उन्होंने देश के सामने उस टाइम भ्रष्टाचार की बात, अभी भी भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें से केजरीवाल निकाल कर अपनी एक पार्टी बना लिया और सबके सामने ये बात कहा कि जनता ने नहीं कहा कि ये केजरीवाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल हूँ, और ऐसा करके जनता के सामने आई। चुनाव हुआ, चुनाव में जब पता चला कि भाई चुनाव में आने के बाद जब चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव में हिस्सा लेने के बाद जब सरकार बनाने वाली बात आई, तो उनको देश की संविधान के दायरे उनको सब काम करना चाहिए। तो संविधान को अगर नहीं मानेंगे तो संविधान विरोधी काम तो कोई मंत्री हो, कोई सरकार हो, नहीं कर सकती है, कानूनी अपराध हो जाएगा। ये जानबूझ के क्यों चाह रहे थे, ये जानबूझ के ऐसे संवैधानिक कि इनको प्रक्रिया को दरकिनार करके, इनको पता है कि हम इसे सब नहीं मानते हैं, हम एक नई चीज मानते हैं, लेकिन वो नई चीज मानने के लिए क्या रास्ता है उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात, उनको मालूम था कि भाई हमारी सरकार जो है, मतलब संख्या जो है उसकी बहुत कम है। तीसरी बात जो है, उन्होंने देखा होने के बाद अपने अंदर से दो चार जो है उनके विरोध बात कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए वो देखा कि भाई हम तो किसी ढंग से भी ना अपने जो बनाया आप बना के वो आप उनको अपना नहीं पा रहा है, उसके अंदर विभेद हो रहा है। दूसरी बात की भी हम जनता से जो बात किया तो वो बात को हम रख नहीं पाएंगे। तीसरी बात, जब मार्केट, सबसे बड़ी बात जो आई कि दो तीन चीज उन्होंने तो कुछ किया था, ये मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं किया, लेकिन वो आने के बाद थोड़ा सा बदलाव पुलिस वालों से या कहीं कहीं हुआ है। लेकिन ये तेल वाली मामला जब आ गई तो दोनों जो है, कांग्रेस हो भाजपा हो, फुल और उसके साथ कॉर्पोरेट जारी है, तीनों मिलके इनके पीछे लग गए और जैसा हो इनको से। दादा, ये 3 महीने में इनको सरकार मिल गई,
तो ये समझ ये रहे कि हमको अगले 3 महीने में पार्लियामेंट मिल जाएगी, नहीं, नहीं, ये उसका खेल हो रहा है। ये खेल कौन कर रहा है हरिकेश जी? इस खेल के जड़ कहाँ पे, मामला सामने आने के बाद इस खेल के आप रूट कहाँ पे, जड़ कहाँ पे देख रहे हैं इस खेल? जड़ तो आप खोजिए सबसे बात करके जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, केजरीवाल के बारे में जो मैं समझ पा रहा हूँ उनकी सारी हरकतों को देख करके जी, ये आदमी बहुत ही सेल्फ ओपिनियटेड है और बहुत एरोगेंट है। और जो आदमी सेल्फ ओपिनियटेड और एरोगेंट होता है उसके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं, या वो डिक्टेटर होता ही है जिस जो कि वो सेल्फ ओपिनियटेड और एरोगेंट होता है। यह व्यक्ति संविधान के और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ बोल चुका है, ये शायद आप लोगों को पता होगा। मैंने खुद पढ़ा है इनका बयान नेशनल डेली में कि ये मैं संसदीय इस तरह के संसदीय लोकतंत्र में मेरा विश्वास नहीं है। इनका कहना यह है कि जो मैं कहूं उसको मानो, जो मैं कहता हूं वही कानून है, वही संविधान है। आज जैसे इन्होंने जिस तरह से बिल पेश किया है उसका जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है वो ये है कि LG के अप्रूवल के बाद ही वो किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री का आर्डर है, ये संवैधानिक नहीं है। अच्छा, इनके कहने से तो कोई चीज संवैधानिक है या असंवैधानिक होगा नहीं, बिल्कुल ये तो फैसला होगा कोर्ट के जरिए। कोर्ट अगर कहता है कि होम मिनिस्ट्री का आर्डर असंवैधानिक है तब उसको हटा लिया जाएगा। जब तक कि ये रूल है और जब तक कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि असंवैधानिक है तो इनके कहने से वो असंवैधानिक कैसे मान लिया जाएगा? और आज तक उसी प्रोसीजर से काम होता रहा है। तो जब लोग कह रहे हैं उसी प्रोसीजर से तुम बिल लाओ हम तो इससे समर्थन करेंगे, तो सबके ऊपर उल्टा इल्जाम यह व्यक्ति लगा रहा है कि सभी ये क्यों कर रहे हैं जब इनको कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम आप ऐसे संवैधानिक प्रक्रिया से आप लेके आइए बिल, हम आपको समर्थन में जान छुड़ा करके, देखिए एक मिनट हम बता दें, जान छुड़ा कर भागना चाहता है यह व्यक्ति, क्योंकि इसने बहुत सारे वादे कर डाले थे, वो वादे पूरे नहीं किए जा सकते थे। जितने लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल के हो, किसी दल की सरकार हो, सबकी इच्छा ये रहती है कि हम अधिक से अधिक जनता के लिए काम करें ताकि जनता हमसे खुश रहे और दोबारा हमको फिर काम करने का मौका दे जी। इस नियत से करीब करीब सभी पॉलिटिकल पार्टी, थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, सभी इस नियत से काम करते हैं। इस व्यक्ति ने सबको धोखा दिया है, सबको गुमराह किया है, यहां तक कि अपने गुरु अन्ना तक को धोखा दिया। लैडर की तरह से, सीढ़ी की तरह से हर व्यक्ति को यूज इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करना, बाद में उसको तोड़ देना, जन भावनाओं का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, और भ्रष्टाचार के नाम पर हवा बनाकर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ईमानदार है ही नहीं देश के। जन भावनाओं का इस्तेमाल किया और जन भावनाओं को इन्होंने लगा कि ये पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप ये करें कि अब ये निकल भागने के प्रयास में। ये तो ये देखिए ना कि अपने इनके आदमी चाहे जितनी बड़ी गलती करें, सोमनाथ भारती को देख लीजिए, तमाम नियमों का वायलेशन किया है, कानून का लॉ का उल्लंघन किया, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ ये आदमी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सारा देश कह रहा है, सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सदन के अंदर, बाहर, भीतर, हर जगह कहा जा रहा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनको उल्टे डिफेंड कर रहे हैं। ये कौन सी ईमानदारी है? ये क्या भ्रष्टाचार के अंदर नहीं आता जी? तो यह व्यक्ति एक बड़ा दोहरा चरित्र का व्यक्ति है और एक तानाशाही प्रवृत्ति का, हिटलरियन टैक्टिक्स के आधार पर चलना। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एजेंसी जिनके पीछे लगी हुई है, फोर्ड फाउंडेशन का नाम अक्सर लोग लेते हैं जो इनसे कि तमाम NGO को पैसा मिलता है, इनके साथ NGO तमाम जुड़े हुए हैं, वो NGO वगैरह का एक ऐसा, ये सब एक बड़ा आप कह सकते हैं कि घालमेल है कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली अभी है क्या ये। इनका थोड़ा सा पर्दाफाश होने में थोड़ा सा समय अभी लग सकता है, पर्दाफाश होने में समय लग सकता है, पर्दाफाश हो गया है और पैसा आ रहा है इनके पास कहीं कहीं से, काफी पैसा आ रहा है जिसको ये लोग छिपा रहे हैं विदेशों। हाँ, ऐसा लगता है फोर्ड फाउंडेशन का पैसा तो आता ही है तमाम NGO के पास, अब इन लोगों की NGO के पास कितना आता है उसको देखना पड़ेगा। पुष्पेंद्र, इससे पहले कि हम आगे आपसे सवाल पूछें, कम शब्दों में, कम समय में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो इस्तीफा आज हुआ, इस इस्तीफा की क्या मायने हैं? देखिए, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, सब मानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे 2014 के चुनाव में अपनी जमीन खो चुकी है। और ये बात शुरू में कही जाती थी कि कांग्रेस पार्टी का ये एक आगे बढ़ाया हुआ फ्रंट है और इसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी, आई डोंट नो वो कितना सही है गलत है, लेकिन मोदी के रथ को रोकने के लिए खुद कांग्रेस पार्टी कमजोर है, उन्होंने इसको आगे किया। और आज की घटना के बाद जिस तरीके से नारे लग रहे हैं,
जिस तरीके से इस बात को उनको कैडर को बताया जा रहा है कि अब मोदी को हराना है, मोदी किसी पहले सीधा हारी है, अब मोदी की बारी है, तो वो ही मैं कह रहा हूं कि ये यकायक मोदी को कहां से हराना है। गुजरात के सीएम का तो चुनाव नहीं हो रहा है, तो किसको हराना है, कैसे हराना है? ये जो फ्रंट है ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार जो वॉर रूम है रकाबगंज रोड पे उसके माध्यम से काम कर रहा है। हमें गाली दो और साथ में भारतीय जनता पार्टी में मोदी पे भी गाली दो, तो हम तो कांग्रेस पार्टी तो डूब ही रही है लेकिन हम बीजेपी को भी नहीं खड़ा होना देंगे। मुझे लगता है इस शॉट से ज्यादा इसके आगे मैं समझता हूं कोई बातचीत का या कोई इसमें कोई नए तरीके निकालने की कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल एक मोहरा है, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मोहरे हैं जो सामने कांग्रेस को गाली दे रहे हैं लेकिन सरकार कांग्रेस के बल पे बना रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भाई आपको चुनाव लड़ना है तो यहां से क्यों भागे? आज नजीब जंग साहब जो कि न तो बीजेपी के हैं न कांग्रेस पार्टी के हैं, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी का नहीं होता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की स्पीकर से दिल्ली विधानसभा के कि इस बिल को टेबल आप नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां से शामिल हो गए? लेकिन पूरे देश को यह दिखाया कि देखिए साहब जन लोकपाल पे दोनों मिली हुई है और मैं शहीद होने जा रहा हूं। इस शहीद के पीछे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से खाली कर दिया जाए, जो इस्तेमाल उनका होना था वो हो गया। भारतीय जनता पार्टी पावर में दिल्ली विधानसभा में नहीं आई, अब देश भर के अंदर मोदी पे फोकस करो, भारतीय जनता पार्टी पे फोकस करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद कांग्रेस पार्टी हारी हुई इस पोजीशन में। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने इनको आगे किया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, के बाद जल्द वापस लौटते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई कांग्रेस पार्टी का मोहरा है या किसी और के मोहरा या मोहरा है भी नहीं।